दोस्तों सुबह सुबह हमें समझ में नहीं आता कि हम नाश्ते में क्या बनाएं कि जो बहुत ज्यादा हेल्दी भी हो और जल्दी भी बन जाए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू और गेहूं के आटे की नाश्ता, एकदम जबरदस्त नाश्ता। बिल्कुल इसमें कोई ज्यादा तेल का यूज नहीं है, बहुत ज्यादा हेल्दी है, दिन भर आपको एनर्जी से भरा रखेगा। तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपना स्वाद में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब करना, ना कर चुके हैं प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों ये रेसिपी बनाने के लिए हमने उबले हुए आलू का यूज किया है। हमारे पास ये 6 उबले हुए आलू हैं, हम 2 का अभी यूज कर रहे हैं, 4 का बाद में करेंगे। ये उबले आलू को हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़े वाले ग्रेटर से खींच देते हैं। उबले हुए आलू डालने से क्या होता है, इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आएगा। और साथ में गाजर लिए, इसे भी बड़े वाले ग्रेटर से खींच दिया है। और साथ में हम कैप्सिकम लिए हैं यानी शिमला मिर्च, इसे भी हम बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। और साथ में क्या है, थोड़ा सा प्याज लिए हैं, एक मीडियम साइज का प्याज, इसे भी बड़े टुकड़ों में काट दिए हैं। थोड़ा सा बीन्स लिए हैं, इसे भी काट दिए। सब्जी आप चाहे तो कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं। और अच्छे फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे अदरक को घिस के डाला है। और साथ में हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च डालना ना भूलें। और साथ में भर के हम धनिया का पत्ता डाल रहे हैं, डंठल के साथ डाल दिए हैं, डंठल से अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल दीजिए, नमक वगैरह भी नहीं डालना है, नहीं तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी छोड़ देगा तो फिर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से आलू और सब्जी को मिलाइए। आप चाहे तो इसमें कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं, जो बच्चों का आपको सब्जी पसंद है वो भी डाल सकते हैं। और अच्छे से मिला दिए हैं। अब ये बड़े वाले बर्तन में ले लेते हैं, ये बहुत छोटा पड़ गया, सफिशियंट नहीं है हमारे पास। अब हम इसमें क्या करते हैं, 2 कप हम आटा लेंगे, लगभग 250 ग्राम आटा है। जितना हमारा सब्जी है उतना आटा डालिए, यानी कि 50-50 का रेशियो डालें। अगर जो आप ज़्यादा आटा डालेंगे तो वो आटा आटा फील होगा, अगर जो सब्जी डालेंगे तो उससे क्या होगा, पलटने में वो टूट सकता है। और पानी, पानी आप इसमें किस्तों में डालिए, थोड़े थोड़े करके डालिए। आपको जैसे हम बैटर तैयार करते हैं इडली वाला, वैसे ही बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, एकदम रनिंग बैटर तैयार करना है। ये देखिए इस तरह करके धीरे धीरे करके पानी डालिए उसमें। अब साथ में अब डालते हैं हम नमक स्वाद अनुसार। अब आप नमक डालते हैं, हम 2 चम्मच इसमें ऑयल यूज कर रहे हैं, अच्छा सॉफ्टनेस बने इसीलिए हम इसमें 2 चम्मच तेल का यूज कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल है। और साथ में बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं। अगर जो आप 1-2 घंटा के लिए इसे छोड़ दीजिएगा तो बेकिंग पाउडर डालने का ज़रूरत नहीं है। और साथ में हम क्या करते हैं, अच्छे से बैलेंस इसका बनाए रखें, इसलिए हम इसमें चीनी डाल रहे हैं, तो 1 चम्मच। और अच्छे से मिलाइए, अच्छे से एकदम पूरा आलू आटा सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, एकदम अच्छे से इस तरह करके मिलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिलने से अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों, अगर अच्छा से नहीं मिलाइएगा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखिए हमारा रनिंग बैटर एकदम तैयार हो गया। अब इसे ढक कर 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। जब तक क्या करते हैं हम ये आलू जीरा की सब्जी तैयार कर लेते हैं, एकदम बच्चों वाला है तो इसमें हम ज़्यादा तेल मसाला वगैरह नहीं डालेंगे, जिच्ची पिपिक वाला कोई मसाला वगैरह नहीं डालेंगे इसमें, एकदम सिंपल तरीके से बनाना है। हम यहाँ पे 4 आलू को काट दिए हैं, देखिए बड़े बड़े टुकड़ों में। साथ में मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रहे हैं, मस्टर्ड ऑयल डालने से आलू की सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। और साथ में हम मूँगफली लिए हैं, मूँगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं पहले, ये तुरंत फ्राई हो जाएगा एकदम फटाफट। ये देखिए बच्चों को बहुत ज़्यादा मूंगफली पसंद होता है, तो आपके बच्चे पसंद कर रहे हैं तो आप ज़रूर डालिए, हमारे बच्चे पसंद करते हैं तो हम इसे डाल रहे हैं। बस हो गया हमारा मूंगफली फ्राई हो गया, अब इसे हम साइड में निकाल लेते हैं। और साथ में अब जीरा आलू बना रहे हैं तो जीरा तो डालेंगे, थोड़ा सा हरी मिर्च 2 डाल देते हैं, इसे चीरा लगा के डालिए नहीं तो उड़ेगा ये, तो चीरा लगाना मिर्ची में ज़रूरी है। और साथ में हम अच्छे फ्लेवर के लिए कड़ी पत्ता डाल देते हैं दोस्तों, एकदम बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जीरा डालना है, जीरा आलू बना रहे तो जीरा डालिए, थोड़ा सा सरसों का बीज डालिए, और साथ में अच्छे और फ्लेवर आए तो उसके लिए थोड़ा सा हींग डालना जरूरी है। हींग डालने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर हल्का सा डालिए, अच्छे कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, आप चाहे तो इसमें नहीं भी डाल सकते हैं। बस हो गया हमारा मसाला, ये अब कुछ नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा नमक डालेंगे बाद में। और हल्का सा इसे अच्छे से फ्राई करना है, एकदम मीडियम फ्लेम में रखिए, इसे लो फ्लेम में नहीं रखिए नहीं तो आलू टूट जाएगा। मीडियम फ्लेम में बस इसे अच्छे से फ्राई कीजिए ताकि इसका मीठापन आलू का निकल जाए। और साथ में अब नमक डाले हैं, नमक डालने से अब क्या होगा, अच्छे से अंदर तक इसका नमक का फ्लेवर जाएगा। और अच्छे से फ्राई कीजिए, फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा से इसको हिला हिला के फ्राई कीजिएगा। ये देखिए
घुमा घुमा के चारों तरफ फ्राई कीजिए आलू को, तब इसका एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये रेसिपी, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अब हमारा हो गया है ये, अब इसमें थोड़ा सा अच्छा सा खट्टापन के लिए थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं इसमें, आप चाहे नहीं भी डाल सकते हैं, और जो मूंगफली फ्राई किए थे वो मूंगफली डाल देते हैं। बस हो गया हमारा, सब्जी तैयार हो गया, बस एक मिनट के लिए और उसे भूनना है। बस ये देखिए कितना एकदम शानदार चटपटा सब्जी बनके तैयार हो गया दोस्तों, ये देखिए बस हो गया हमारा, सब्जी तैयार हो गया है। अब हम क्या करते हैं, बस जो हम बैटर तैयार किए थे अब उसका हम चीला बना लेते हैं। अब जो भी बोलिए चीला बोलिए जो भी बोलिए, अब देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रिफाइन ऑयल यूज किया है, एकदम पैन को गर्म रखना है दोस्तों, और गैस को एकदम मीडियम फ्लेम में रखना है, ना ही लो रखना है ना ही हाई रखना है। ये देखिए बैटर को आप थोड़ा सा अच्छा से थोड़ा सा हिलाइएगा ना, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा अपने आप, और ढक दीजिए। ढकने से क्या अच्छे से अंदर तक पकेगा। ये देखिए आप धीरे धीरे हिला के हल्का सा आप पलट दीजिए, ये देखिए कितना अच्छा चीला तैयार है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। सुबह सुबह बच्चों के नाश्ते में ज़रूर बनाइए, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और ये टेस्टी भी है, और इसमें कोई झंझट भी नहीं है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये रेसिपी, आप खाइए घर में। ये देखिए बस हो गया हमारा चीला, हम आपको एक और बना के दिखा देते हैं। ये देखिए यकीन मानिए दोस्तों ये रेसिपी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, आप सुबह सुबह नाश्ते में बच्चों को ज़रूर खिलाएं। हम देखिए एक और बना के आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आप चाहे तो करछी के सहारे थोड़ा सा इसे फैला सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हिलाने से भी सेट हो जाता है ये, बस ढक दीजिए ताकि अच्छे से पक जाए। आप चाहे तो नहीं भी ढक सकते हैं, लेकिन ढक देने से थोड़ा जल्दी अच्छे से अंदर तक पक जाएगा और ये आटा आटा फील नहीं होगा, अच्छे से अंदर तक पकेगा तो आटा आटा बच्चों को फील नहीं होगा। ये देखिए अब थोड़ा सा हम इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं सब्जी में, आप चाहे तो ऐसे भी सब्जी रोटी के साथ खिला सकते हैं बच्चों को, चाहे चीला के साथ खिला सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना शानदार चटपटा सब्जी तैयार हो गया है, ये देखिए हमारा चीला, आटे का चीला। इसमें देखिए दोस्तों 50-50 का रेशियो है सब्जी, अगर बच्चों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग खिलाना है, बच्चों को नहीं खाना ऐसे पसंद करते हैं, तो आप इसे रोल बना के खिला सकते हैं, थोड़ा सा टमाटो केचप लगाइए और ये सब्जी डालिए, थोड़ा धनिया पत्ती डालिए, और जैसे रोल बनाते हैं वैसे रोल बना के बना दीजिए, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं, और बच्चे खूब मन भर के खाएंगे दोस्तों, भर भर के खाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा रेसिपी हमारा, अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगे प्लीज़, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए कितना सॉफ्ट है दोस्तों, ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इतना सॉफ्ट नाश्ता, ये देखिए एकदम एकदम मुंह में घुल जाने वाला नाश्ता है दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।